28 अगस्त 1963, जब ट्विटर और फेसबुक कुछ भी नहीं था, तब क्यों 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर को सुनने के लिए लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन DC पहुंचे। आज कई टेक कंपनीज होने के बावजूद भी क्यों लोग एप्पल की महंगी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कई घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स होने के बाद भी क्यों हम महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर को ही ज्यादा याद करते हैं? क्यों राइट ब्रदर्स ही सबसे पहले एरोप्लेन बना पाए, जबकि दूसरे और भी कई लोग फ्लाइंग मशीन बनाने में लगे हुए थे? मतलब कैसे कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं जिसे पूरी दुनिया सालों तक याद रखती है? ये सारे सवालों के जवाब छुपे हैं एक बहुत ही कमाल की बुक स्टार्ट विथ वाई के अंदर। और आज मैं इसी बुक में से मैंने सीखी सभी इंटरेस्टिंग बातों को आपके साथ डीपली शेयर करूंगा। आज स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स एंड प्रोफेसर्स स्टूडेंट को हजारों बार कहते हैं कि रीडिंग की हैबिट बिल्ड करो, लेकिन फिर भी आप में से ज्यादातर लोगों को बुक्स पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती होगी। पर जब वही काम आपको कोई बिजनेसमैन या इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करे तो उस काम को आप बहुत ही क्यूरियसली स्टार्ट कर देते हो। तो क्या कभी आपने नोटिस किया कि वो काम तो सेम ही था, लेकिन क्यों आपके टीचर्स सालों तक आपको कन्विंस करने के बाद भी आपको रीडिंग के लिए इंस्पायर नहीं कर पाए, और किसी मेंटर ने सिर्फ एक ही दिन में आपको बुक्स के लिए इंस्पायर कर दिया? तो उसका रीजन है द गोल्डन सर्कल। आपके टीचर ने हर वक्त आपको यही बताया होगा कि क्या करना है, मतलब ये बुक रीड करो, वो रीड करो, एटसेट्रा। कभी कभार आपको ये भी बताया होगा कि कैसे रीडिंग करना है, लेकिन उन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया होगा कि रीडिंग करना क्यों है। यानी कि आपके टीचर वर्ड से शुरुआत करके आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करते थे, जबकि वो मेंटर वाई से स्टार्ट करके इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम अपनी एक पावरफुल इमेज क्रिएट करना चाहते हो, क्या तुम कुछ एग्जिट टेक्निक्स जानना चाहते हो जिससे लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुने और तुम्हें नोटिस करें, तो लिल लाउंडिस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन रीड करो, जिसमें तुम्हारे ये सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। इस गोल्डन सर्कल का यूज करके किए हुए उनके इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेशन से आप इंस्पायर होकर क्यूरियसली रीडिंग स्टार्ट करते हो। दुनिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर लीडर्स और मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स है, वो सब इसी सेम पैटर्न को ही फॉलो करते हैं कि पहले वॉइस से शुरुआत करके अंदर से बाहर कम्युनिकेट करना। जब 1903 में राइट ब्रदर्स दुनिया की पहली उड़ने वाली मशीन बना रहे थे, उसी टाइम सैमुअल लैंगली, जिसका नाम भी आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, वो भी कुछ ऐसी ही मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके पास उस टाइम पे वो सब कुछ था जो किसी भी इन्वेंशन के लिए जरूरी होता है, जैसे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अच्छी टीम, गवर्नमेंट का सपोर्ट और बहुत कुछ। और दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी वो दुनिया का पहला प्लेन बनाने में सफल रहे, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज थी जो सैमुअल और उनकी टीम के पास नहीं थी, वो था एक स्ट्रॉन्ग वाई। राइट ब्रदर्स का वाई बहुत ही क्लियर था कि वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके। दूसरी तरफ सैमुअल का उद्देश्य सिर्फ फेमस होना और पैसे कमाना था, जिस वजह से उनके पास इतने रिसोर्सेस होते हुए भी वो प्लेन को पहले नहीं बना पाए। और उनके उस उद्देश्य का पता इस बात से चलता है कि जैसे ही राइट ब्रदर्स ने अपना प्लेन बनाया, सैमुअल ने अपना प्रोजेक्ट उसी टाइम क्विट कर दिया, क्योंकि अब वो पहले व्यक्ति नहीं रहे जिनका पूरी दुनिया में नाम होता। लेकिन सोचिए, अगर सैमुअल का उद्देश्य सच में एक प्लेन बनाना होता तो क्या वो क्विट करते? शायद नहीं, वो राइट ब्रदर्स के साथ मिलकर उस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्रूव करते। राइट ब्रदर्स ये दिल से बिलीव करते थे कि अगर वो प्लेन बना लेंगे तो ये चीज इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बदल के रख देगी। और इसी स्ट्रॉन्ग वाई की वजह से ही ये दो भाई कई मुश्किलों का सामना करके भी दुनिया का पहला प्लेन बना पाए। कई लोगों को लगता होगा कि स्टारबक्स उनके वोट यानी कि कॉफी की वजह से पॉपुलर है, कुछ ये मानते होंगे कि वो हाव यानी कि उनके स्टोर की लोकेशन और सर्विस की वजह से फेमस है, लेकिन पूरी दुनिया में 30,000 से भी ज्यादा स्टोर वाले स्टारबक्स के ग्लोबलाइजेशन का रीजन उनका वाई है। स्टारबक्स लोगों के लिए घर और ऑफिस से अलग एक ऐसी थर्ड स्पेस क्रिएट करना चाहते थे, जहां लोग आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर सके, बुक्स पढ़ सके और रिलैक्स हो सके। और इसी स्ट्रॉन्ग एंड इनविजिबल वाई की वजह से ही लोग उनको इतना पसंद करते हैं। आज सब लोगों को पता होता है कि वो क्या काम करते हैं, कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं। कुछ ऐसा ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो स्टाफ होता है उसे सिर्फ इतना ही पता होता है कि अब क्या करना है, कौन सा टास्क पूरा करना है, एटसेट्रा। फिर थोड़े से लोग होते हैं जिसे मैनेजर्स कहते हैं, जिससे पता होता है कि इस काम को कैसे करना है। पर जो सबसे ऊपर एक या दो लोग होते हैं,
जिसे फाउंडर्स या सीईओ कहते हैं, उनको पता होता है कि ये काम क्यों करना है। इसीलिए बहुत कम नंबर होने के बावजूद भी उनकी वैल्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा होती है। अगर स्टाफ चेंज हो तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मैनेजर्स चेंज हो तो उनको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर सीईओ चेंज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नेचर बदल जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे नाइकी बिना अपनी प्रोडक्ट दिखाए भी ऐसे एडवर्टाइज करती है जो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न करके देती है। नाइकी दुनिया की वो कंपनीज में से एक है जिसकी वर्ल्ड क्लास सेलिंग टेक्निक स्टीव जॉब्स को भी काफी पसंद थी। आज बहुत सारी कंपनीज वोडका यूज करके अपनी प्रोडक्ट बेचती है, जिसे फीचर सेलिंग कहा जाता है। ये उस तरह की सेलिंग होती है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हो, जैसे ये स्मार्टफोन में इतनी बड़ी बैटरी है, इतने मेगापिक्सल्स का कैमरा है, एटसेट्रा। इस तरह की सेलिंग काफी बोरिंग और वीक होती है। कुछ कंपनीज होती है जो हाउ का यूज करके अपनी प्रोडक्ट बेचती है, जिसे बेनिफिट सेलिंग कहा जाता है। ये थोड़ी अच्छी सेलिंग होती है क्योंकि ये रिलेट करती है आपके कस्टमर्स को कि ये चेयर बहुत ही आरामदायक है जो आपके पोस्चर को मेंटेन करेगी, ऐसा कुछ। पर नाइकी और एप्पल जैसी बहुत ही रेयर कंपनीज है जो वाई का यूज करके अपनी प्रोडक्ट बेचती है, जिसे कोर सेलिंग कहा जाता है। इस तरह की सेलिंग सबसे पावरफुल सेलिंग मानी जाती है। इसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पर अपनी कोर वैल्यूज और बिलीफ्स बेचते हो, जिसके लिए आपकी कंपनी स्टैंड करती है। ये उसके बारे में है कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। यही रीजन है कि नाइकी और एप्पल जैसी ब्रांड अपनी वैल्यूज के दम पर बिना अपनी प्रोडक्ट दिखाए भी पावरफुल एडवर्टाइज कर सकती है। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट बायोलॉजिकल रीजन बताता हूँ कि क्यों लोग वोट और हाउ यानी कि आपके आउटसाइड टू इनसाइड कम्युनिकेशन से इंस्पायर नहीं होते, पर वाई यानी कि इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेशन से इंस्टेंटली इंस्पायर हो जाते हैं। अगर आप ह्यूमन ब्रेन के क्रॉस सेक्शन को देखो तो वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, जो रिलेट करता है गोल्डन सर्कल से। आपका सबसे बाहर का ब्रेन नियो कॉर्टेक्स रिलेट करता है वोट लेवल को, जो रिस्पॉन्सिबल है कैलकुलेशन और भाषा को समझने के लिए। और दिमाग के अंदर के दो हिस्से मिलकर बनाते हैं आपका लिम्बिक ब्रेन, जिसे भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा आपकी गट फीलिंग्स और डिसीजन को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब भी कोई बाहर से अंदर कम्युनिकेट करता है तब आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन वो आपको डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर नहीं कर पाते। पर जब कोई वाई का यूज करके अंदर से बाहर कम्युनिकेट करता है तब वो डायरेक्टली आपके डिसीजन को कंट्रोल करने वाले लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे आप एक्शन लेने के लिए इंस्पायर होते हो। फिर हाउ और वोट आपके उस डिसीजन के सपोर्टर बन जाते हैं कि आपने लिया डिसीजन बिल्कुल सही है। न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड रेस्टक कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर लिए गए डिसीजन ज्यादातर लोअर क्वालिटी के और कंफ्यूजिंग होते हैं, पर गट डिसीजन फास्ट, हायर क्वालिटी के और हमेशा सही होते हैं। यही रीजन है कि आप एप्पल यूजर को कितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बता के समझाओ कि एंड्रॉइड एप्पल से बेहतर है, लेकिन फिर भी वो एप्पल इकोसिस्टम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एप्पल की हर एक प्रोडक्ट का वाई बहुत क्लियर होता है, जिससे उनकी प्रोडक्ट उनके यूजर के लिम्बिक ब्रेन से एक अलग ही लेवल पर इमोशनली जुड़ जाती है। ये बात स्टीव जॉब्स पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि डिसीजन लेते वक्त इमोशनल फीलिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को पटक के रख देती है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल MP3 प्लेयर सिंगापुर बेस्ड कंपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बनाया था, लेकिन फिर भी वो लोगों का अटेंशन नहीं पा सके, जबकि उसके 2 साल बाद लॉन्च हुए आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। तो ऐसा क्यों कि दोनों सेम ही प्रोडक्ट, लेकिन एक प्रोडक्ट फ्लॉप साबित हुई और एक रिवोल्यूशनरी? उसका रीजन है कंपनी का लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने अपने डिवाइस को 5GB पोर्टेबल MP3 प्लेयर यानी कि वोट से शुरुआत करके लॉन्च किया और वाई तक वो पहुंच ही नहीं पाए, जबकि एप्पल ने कहा कि अगर आप 1000 सॉन्ग्स को अपनी जेब में रख के घूमना चाहते हो तो आईपॉड आपके लिए है, क्योंकि एप्पल जानता है कि जब कोई इंसान एक बार इंस्पायर हो जाए तो उसे फर्दर कन्विंस करने के लिए फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर को 2 तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, एक मैनिपुलेशन और दूसरा इंस्पिरेशन। 2004 में जब मोटोरोला ने अपना ब्रांड न्यू फ्लिप फोन रेजर लॉन्च किया तो उसे प्राइम मिनिस्टर, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और दूसरे कई लोगों ने खरीदा, जिससे सिर्फ 2 साल में ही रेजर के 50 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट बिक गए, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है। पर अगले कुछ सालों में ही जब उनके कॉम्पिटिटर्स ने रेजर से अच्छे फीचर वाले फोन लॉन्च किए तब मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि कस्टमर्स मोटोरोला को छोड़कर जाने लगे? तो उसका रीजन है मोटोरोला ने लोगों को इंस्पायर करने की बजाय मैनिपुलेट किया था। मैनिपुलेशन कई तरह के हो सकते हैं,
जैसे कि प्राइस कम करना, सिर्फ फीचर के दम पर प्रोडक्ट बेचना, डिस्काउंट देना, लिमिटेड टाइम ऑफर करना, ये सब मैनिपुलेशन माना जाता है, जिससे थोड़े टाइम के लिए आपकी सेल्स तो इंक्रीज हो जाती है पर इनसे लॉयल कस्टमर्स नहीं बनते। लॉयल कस्टमर्स वो होते हैं जो मुश्किली झेल कर भी आपकी प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हो जाए। उनको आपके कॉम्पिटिटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भले ही वो आपके जैसी सेम प्रोडक्ट ही सस्ते में बेचे, तो भी आपके लॉयल कस्टमर्स उनसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो आपकी कोर वैल्यूज और आपके बिजनेस करने के रीजन में बिलीव करते हैं। जो लोग एप्पल और हार्ली डेविडसन खरीदते हैं, वो लोग कभी भी उस ब्रांड को दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर नहीं करते, क्योंकि वो लोग उस ब्रांड की वैल्यूज, बिलीफ्स और वाई के साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं रहता। फॉर्च्यून 500 कंपनीज का लिस्ट सबसे पहले 1955 में बनाया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 13% कंपनीज ही ऐसी है जो आज भी उस लिस्ट में एग्जिस्ट करती है, बाकी सब बदल गई, क्योंकि आज ज्यादातर सेलर्स अपने कस्टमर्स को इंस्पायर करने की बजाय मैनिपुलेट करने लगे हैं। उनको डिस्काउंट और कम प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर आपके कस्टमर्स को एक बार डिस्काउंट और कम प्राइस पर चीजें खरीदने की आदत पड़ गई, तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट को फुल प्राइस पर नहीं खरीदेंगे। इसलिए बिजनेस में आपको मैनिपुलेशन करके चीजें बेचने वाले डीलर के माइंडसेट की नहीं, लेकिन लोगों को इंस्पायर करके उनको अपनी कोर वैल्यूज और बिलीफ शेयर करने वाले लीडर के माइंडसेट की जरूरत होती है। माइक्रोसॉफ्ट के सेकेंड सीईओ स्टीव बॉलमर कंपनी की एनुअल ग्लोबल मीटिंग में स्टेज पर जोर शोर से बोलते, स्टेज पर जंप मारते और चीख के चिल्ला के उनकी काम करने की एनर्जी लोगों को बताने की कोशिश करते, क्योंकि वो मानते थे कि एनर्जी से आप क्राउड को मोटिवेट कर सकते हो। पर क्या स्टीव बॉलमर की वो एनर्जी 80,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय को महीनों तक फोकस्ड रह के काम करने में हेल्प कर सकती थी? शायद नहीं, क्योंकि एनर्जी लोगों को थोड़े टाइम के लिए तो एक्साइटेड कर सकती है, पर लंबे टाइम तक इंस्पायर नहीं रख सकती। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड फर्स्ट सीईओ बिल गेट्स थे, जो बाकी पब्लिक स्पीकर की तरह एनर्जेटिक नहीं थे। वो थोड़े साय और सोशल मिसफिट लगते, पर जब वो स्टेज पर बोलते तो लोग उछल कूद करने की बजाय उनके हर एक शब्द को ध्यान से सुनते, और उनकी बातों से माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाला हर एक इंसान सालों तक इंस्पायर्ड रहता, क्योंकि एनर्जी एक्साइट्स बट करिश्मा इंस्पायर्स। यही रीजन था कि 1963 में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन DC पहुंचे, जहां पर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी, जो आज भी दुनिया की फेमस स्पीचेस में से एक मानी जाती है। दुनिया के जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, वो आपको कैरिज्मेटिक लगेंगे, क्योंकि उनका वाई बहुत ही क्लियर होता है, जो उनके हर एक मुंह में दिखता है। अगर आप गौर से देखो तो एप्पल की एड में आपको ग्रुप्स उनकी प्रोडक्ट यूज करते कभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि एप्पल स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, जो उनकी टैगलाइन थिंक डिफरेंट को प्रमोट करता है। अब साइमन साइनक की बुक स्टार्ट विथ वाई में से मैंने सीखी सभी बातों की स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो, फर्स्ट, वोट, हाउ और वाई के कॉम्बिनेशन से गोल्डन सर्कल बनता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके काम से इंस्पायर हो और आपकी बातों को नोटिस करे, तो हमेशा वाई से स्टार्ट करके इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करे, क्योंकि इंसानों में जो ब्रेन डिसीजंस और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो लिम्बिक ब्रेन फैक्ट्स एंड फिगर्स से नहीं, पर वाई यानी कि आपकी कोर वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम से एक्टिवेट होता है। सेकेंड, मैनिपुलेशन करके आप थोड़े टाइम के लिए फेमस हो सकते हो, पर उनसे लॉयल्टी नहीं बनती, इसीलिए लोगों को मैनिपुलेट करने की बजाय उन्हें इंस्पायर करे, क्योंकि जब कोई इंसान इंस्पायर हो जाए तो उसे फर्दर कन्विंस करने के लिए फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड थर्ड इज एनर्जी एक्साइट्स बट करिश्मा इंस्पायर्स। मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक के प्रिंसिपल्स को याद रखने की बजाय इसे फील करो। इसलिए पैसे आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की 1997 की एड, जिसमें उनका वाई बहुत ही क्लियर दिखता है। धन्यवाद।